गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। सो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास आपके सूट में से आस्तीन का कपड़ा आपके पास कम पड़ रहा है या आस्तीन का कपड़ा कम्प्लीट है लेकिन आपने बड़े आस्तीन बनाने हैं, खुले आस्तीन बनाने हैं और फ्लेपर आस्तीन बनाने हैं, तो सूट के साथ समटाइम जो कपड़ा होता है वो कम्प्लीट पूरा नहीं पड़ रहा होता, छोटा पड़ रहा होता है, कम पड़ रहा होता है, तो हमने क्या ट्रिक यूज़ करके हमने जो है वो मतलब अपने आस्तीन को कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एक आस्तीन मैंने फुल स्टिच कर ली है कि आपके सामने है। मैंने इसमें ये रेड कपड़ा जो है ये मैंने अलग से अटैचमेंट करके लगाया है, तो ये आप लोग भी इसी तरीके से लगा सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सिंपल है। यानी कि अगर आपके पास जो भी सूट है उसके साथ कलर कम्बिनेशन करके, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सूट आपको नज़र आ रहा है, इसमें ब्लू भी है, रेड भी है, ब्राउन भी है और ब्लैक भी है, तो इसमें से मैंने रेड को मैचिंग करके मैंने सूट के साथ रेड कपड़ा मैंने यहाँ पर लगाया है। ये रेड कपड़ा जो है ये शलवार का कपड़ा था, मेरे पास ऑलरेडी एक शलवार का कपड़ा मौजूद है। वैसे अगर आप शलवार की स्टिचिंग भी करते हो तो इतना कपड़ा तो शलवार में से भी बच जाता है, तो वो कपड़ा लेकर आपने जो है आस्तीन के ऊपर के साइड पर यानी कि शोल्डर की आर्मपिट की साइड पर आपने ऊपर के साइड पर अटैचमेंट करके अंदर की साइड पर सिलाई कर लेनी है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने की आपको नज़र आ रही है वीडियो में। तो ये बिल्कुल भी आपका यानी कि ऊपर अगर आप कमीज़ पहनोगे तो आपकी कुर्ती बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, नीचे की साइड पे एक कपड़ा होगा तो एक तो नज़र नहीं आएगी और अगर नज़र आए भी तो फैशन का फैशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने कलर कम्बिनेशन करके मैचिंग की है तो बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका सूट बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब प्यारा लगेगा। तो इसी तरीके से जो मैंने अटैचमेंट किए हैं ये आपने इसी तरीके से चार कपड़े जो हैं आपने शलवार में से लेकर जो आपके पास कपड़ा बचता है इसी तरीके से चार पीसीस आपने कट कर लिए हैं। एक जो है यहाँ पर मैंने एक बाजू पर मतलब ये पूरा एक आस्तीन का कपड़ा था मैंने दोनों साइड पर लगा लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरी आस्तीन को भी कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ, वो भी मैं आप स्टिच करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ये अब दूसरा कपड़ा है तो यहाँ पर भी इसकी ये जो है कपड़ा लगेगा जिस तरीके से यानी कट करके आपने इस तरीके से ऊपर की साइड पे कपड़ा ये लगेगा और इसी तरीके से इसका दूसरा पीस ये है ये भी इस दूसरे साइड पर इसके लग जाएगा। तो जल्दी से फटाफट मैं इसकी भी स्टिचिंग करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जी दूसरी आस्तीन को भी मैंने स्टिच कर लिया, फाइनल कुर्ती मैं रेडी करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। सो आप देख सकते हो बिल्कुल यानी फैशन का फैशन लग रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है।